गुड मॉर्निंग यू गाइस, मैं नीचे आ गई अपने लैपटॉप और डायरी के साथ। चिया को अभी अराउंड 6 o'clock हो रहे होंगे मॉर्निंग में। चिया को भी सुला के सेट किया है एंड अब मैंने ऐसा रूटीन बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे कि जब उसको 6 बजे वाला जब हम सेट करते हैं वो तो सो जाएगी अभी, उसके बाद उठ जाओ अपना दिन शुरू कर दो। लाइक अब दोबारा मत सो क्योंकि आई थिंक अब वो उठेगी अराउंड होपफुली 2-2.5 घंटे में। तब उसके साथ हम वो प्ले टाइम करते हैं, उसका प्ले जिम निकालते हैं, जैसे हमने रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं उसको ऐसे सेट करके फिर नीचे आ जाती हूँ, अपना काम वाम करती हूँ, व्लॉग एडिटिंग होती तो वो करती हूँ। फिलहाल तो मैं अपनी डायरी और लैपटॉप के साथ आई हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है भाई। सुबह सुबह ज़्यादा आवाज़ भी निकल रही, तो बहुत अच्छी चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं वेरी सून दिसंबर तक। तो मैं एंड साक्षी वे वर्किंग ऑन दिस, तो मैं भी फिलहाल उसी का काम करने आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी लॉन्ड्री है, मैंने बहुत सारे कपड़े कल धोए थे, आज भी धोने हैं एंड इनको भी वाइंड अप करेंगे बट बाद में। तो करते हैं अपना दिन शुरू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टंग दिखा रहे शिव शिव उठते, शिव शिव उठते टंग दिखा रहे। चलो लेट्स ओपन योर स्वॉडल एंड लेट चिया डू स्ट्रेच। जय माता की, चुप चुप चिके, लेट चिया डू स्ट्रेची 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 स्ट्रेची। How was your sleep? Did you sleep well? Did you sleep well, Shona? Did you sleep well, mio boccio? Hi, Bubu. Hi, Chia. गाइस तो हम लोगों ने पी लिया है दूध। चिया देखो, सबको देखो, गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। ये सुबह सुबह मम्मा क्या ले आई है कैमरा में मुंह पे। हाँ ओ भाई, अभी तो अंगड़ाइयां ही नहीं जा रही गाइस इसकी। तो मैं अभी इसको हल्का सा भी फ्रेशन अप करा के अभी हम लोग ना अभी फिगर आउट कर रहे हैं खुद के, हमारे लिए इसको सुबह नहलाना ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब सुबह, मतलब एकदम सुबह सुबह भी नहीं, थोड़ा सा मतलब अर्ली आफ्टरनून में या फिर शाम को। शाम को ज़्यादा मुझे सही लगता है क्योंकि फिर सोती बहुत अच्छा है। बाकी अभी भी हम वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, अभी हम एक डिसीजन पे नहीं आए हैं, तो अभी चल जाता जैसे हिसाब, मतलब अपने हिसाब से कर लेते हैं। क्या हो गया बेटा, मुक्के क्यों मार रहे हो बेटा? अच्छा ओके ओके, अच्छा ओके ओके गाइस। तो पहले बच्चों को हम सेट करते हैं एंड जैसे मैं सुबह उठी थी तो मुझे नहाने का टाइम मिल गया था फटाफट एंड उसके बाद हाँ मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ मैं भी एक रूटीन में आऊँ, यू नो जैसे वो 6 बजे वाला मैं उठ जाती हूँ इसको सेट करके, फिर हम मम्मा नहा लेती हूँ, मम्मा अपने काम निपटा लेती है। अच्छा गाइस एक सेकेंड, मिलते हैं अभी ज़रा, बच्चा थोड़ा कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है मुझसे। क्या कहना है बेटा? सबको थैंक यू जो बोल रहे हो, इतना सारा प्यार देते हैं सब आपको, थैंक यू। इधर 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 गाइस, आप देख सकते हैं पापा की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। क्या अभी गाइस चिया बहुत बिजी है, चिया ना अभी चिया अपने आज जिम में आई हुई है, ये इसका प्ले जिम है। यू प्लेइंग माय बेबी, यू प्लेइंग माय बेबी, लुक एट दिस। हां जी, एक बार पुलअप्स करके दिखा दो सबको, फटाफट दिखा दो बेटा, फटाफट लुक एट दिस। हां तो बेसिकली हम इसको ये दिखाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे ये आते हैं कार्ड्स बन गए कॉस्ट वाले होते हैं ना, हां रेड ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को देखते हैं बच्चों ने स्टेज पे, तो इनको यही हाई कंट्रास्ट कलर्स देखते हैं, तो इससे मतलब अच्छा होता है इनकी सेंसरी डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली खेल भी रही है अपना और पढ़ाई भी कर रही है, तो उसे कार्ड्स दिखाते हैं, सामने रख देते हैं, टमी टाइम करती है जब तब तब भी मैं ऐसे कभी कभी इसके सामने कार्ड्स रख देती हूँ। कैसा है मेरा बेबी? वो देख रही कैमरा कहाँ से आ गया। हाय बुबू। हाँ रेडी फॉर कैमरा, ऑलवेज रेडी फॉर कैमरा। हाय शिदे, हाय शिदे मेरा बच्चा। गाइस तो चिया को भी हमने सुला दिए एंड साथ में मैं कर रही हूँ अपनी ब्रेड, साथ में सैंडविच या कुछ देख तो बना लूंगी एंड मेरा मैंने माइक्रोवेव में दूध गर्म करना है। गाइस एक सेकंड रुकिए आप, मैं आ रही हूँ वापस, साथ में पियेंगे मस्त एक ग्लास दूध का एंड छोटा सा क्विक ब्रेकफास्ट करती हूँ अपना। व्लॉग अभी भी मैं एडिट कर रही हूँ, पहले वो खत्म करती हूँ। चिया हमारी सो गई, भानु अपनी कॉल पे चला गया, जिंदगी सेट है, वो लोग बात है कपड़े सेट नहीं कर रहे, बेंस बाहर फेंकते हैं, वो भी कर लेंगे धीरे धीरे, सब कुछ होगा बट फिलहाल थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं फिर से उठ गया हूँ,
मैंने ये छोटी वाली नैप ली है। मेरी मम्मी मुझे फ्रेशन अप करा के फिश ले आई है तैयार श्यार करवा कर। शोनू बीबी सबको हाय बोलो, हाय बोलो। हमें जाना है बाहर है ना, उसको आके नहलाएंगे, देखते हैं। ये तो शाम को नहलाएंगे, बाहर से पूछते हैं, क्योंकि अभी ऐसा है कि मैं नहला लेती हूँ उसको अकेले। मैं नहलाया भी ऐसी बात नहीं है, बट साथ में कोई हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, लाइक थोड़ी हेल्प होती है। छोटी है ना भी यार, थोड़ा सा डर भी लगता है, बट मैं हो जू धीरे धीरे, आई एम गेटिंग यूज्ड टू। बेटा आप कहाँ देख रहे हो, कौन से क्या ऊपर कैमरा यहाँ पे बेटा? चिया वो तो नहीं है, तो फिर मैंने मतलब मम्मी से सीखा था, मम्मी इसको कर रही थी पहले सारा कुछ, मसाज वसाज नहलाना धुलाना। तो मसाजों के स्टेप्स मैंने सीखे मम्मी से, बट मैं मतलब कर मेरे हिसाब से मैं कर लेती हूँ, बट ऑब्वियसली इफ़ यू हैव एन एक्स्ट्रा हैंड देन थोड़ा सा हेल्प होती है। बेटा कौन है ऊपर? पता हम इसको बोलते हैं कि ना ये कभी कभी ना मैं ऐसे बातें मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मतलब एक तक देखती हूँ, ओ ब्लेस यू है बच्चा। कभी कभी गाइस क्या होता है कि हम जैसे इससे बातें कर रहे होते हैं ना चिया से, चिया अपनी नज़र एक जगह टिका लेती है। चिया चिया बेटा कैमरा इधर है, जान इधर है देखो सोनू। तो हम इसको बोलते हैं, हमारे घर पे मैं, भानु और बबीता जी रहती हैं, बबीता जी किसी का नाम भी होगा तो आप हमारे साथ रहते हो। तो इस घर में मैं, भानु, चिया, बबीता जी रहते हैं। ये बंदा एक जगह दिखता रहेगा, ये बंदा लॉस्ट हो जाता है बबीता जी के साथ। बेटा क्या हो गया, कौन एंटरटेन कर रहा है? देखो माँ आपको कितना एंटरटेन करती है, नाच गाना हम सब करते हैं आपके लिए, सब करते हैं। अब कहाँ देखे हो? हंसते रोना थोड़ी होता, स्ट्रॉन्ग बेबी है मेरी, है ना? गाइस इसने अपने आप को ना खून मार दिया, रोती थोड़ी है, थोड़ी देर पहले मारा है ना, थोड़ा हंस के दिखा दे लोगों को, हंसते है। जबकि मैं इसके नेल्स काटती रहती हूँ चार पांच दिन में, पता नहीं कितनी ग्रोथ इसकी है, नेल्स की बहुत जल्दी बढ़ते हैं इसके नेल्स, है ना? कैरी यस क्यूटी पर हंस रहे, नाखून मार के हंस रहे हैं। हाँ रोते थोड़ी है ना मेरा बच्चा, हाय मेरे काका, मेरी छोटी बेबी, हाय राम कैमरे में देखी जा रही है। Guys, तो काफी दिन निकल चुका है चिया के साथ, तो कहाँ जाता है दिन कुछ पता नहीं चलता। इट्स लाइक वी जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ हर, ऐसा होता है ना, उठती है हम वेट करते हैं उसको उठा के, फिर कडल्स करो एंड मतलब एवरी जो प्रोसीजर चेंज करो, इट्स लाइक टेकिंग केयर ऑफ अ डॉल। एक छोटी सी तुम्हें एक काकी मिल गई, तुम उसका ध्यान रख रहे हो, चेंज कर रहे हो, उसको फीड करा रहे हो, उसको नहला, उसको नहलाना है। बट अभी हम जाएंगे पहले बाहर, क्योंकि भानु भी अपने कॉल्स वगैरह सबसे चीज सब चीज़ों से फ्री हो चुका है। तो हमें जाना है रॉयल मिल जाना है, एंड मुझे जाना है स्मिथ्स टॉय भी, कुछ टॉयज लेने हैं काफ़ी सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों का बर्थडे गया है, मायरा का बर्थडे गया है, मायरा के लिए लेना है, मेरे पास लिस्ट है ऐसी, तो टॉयज लेने हैं एंड देखते हैं थोड़ा सा टाइम मिला ग्रॉसरी का तो लेंगे, नहीं तो अगर चिया हमारी फैल गई तो फिर हम वापस आ जाएंगे। तो देखते हैं अभी, एंड पता नहीं मेरे लेफ्ट एंकल पे मैं जो ना परसों से पेन हो रही थी, ऐसे अपनी टांग पे, तो मैं ना इग्नोर कर रही थी ऐसा ना, मतलब थोड़ा सा मैं क्योंकि अब बैक टू लाइफ आ चुकी हूँ अपनी वो वाली पेन भुला कर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। मैं मालूम ना पेन हो रही है पता नहीं क्यों, बट मैं इतनी पेन किलर्स ले चुकी हूँ, मैंने अवॉइड करी, बट मैं से अपनी जी पी वाली दवाई खा रही हूँ जो मुझे दी गई है रात को लेने के लिए, भाई वो दवाई अलग है। एनीवे तो मैंने कल देखा मेरी एंकल पूरी सूजी पड़ी है, पता नहीं भाई क्या हो गया, कहाँ मैंने एंकल ट्विस्ट कर ली, मैं भाग भाग के ऐसे जाती हूँ, आई डोंट नो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ होगा। खैर अभी चलते हैं, एंड कल गाइस मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, कल चिया की फर्स्ट वैक्सीन, उसकी BCG की लग चुकी है, उसके बाद उसे कोई फीवर वगैरह कुछ नहीं आया था, तो उसमें आता भी नहीं शायद, कल उसकी जो 8 वीक वाली वैक्सीनेशन होती है वो है, उसके बाद फीवर आता है, थोड़ा सा मैं अपने कपड़े ऑनलाइन मेरे को नहीं समझ में आ रहा, साइज की बहुत दिक्कत हो रही है, मैं इनको बोल के आता हूं। गाइस ये बंदा देखिए अपना हाथ खाए जा रहा है, बेटा क्या हो गया आपको, क्यों हाथ क्यों खाना, अभी तो दूध पी के आए हो आप इतना सारा। अच्छा आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, कैरी ऑन प्लीज, यू कंटिन्यू, आप पे कोई वो नहीं आनी चाहिए, पता ही ऐसे करती है अपना हाथ खाती रहती है। आई नो एक चीज़ हो सकती है वो टीथिंग की भी, मुझे प्रीति ने ये बताया था, बट पता नहीं अभी तो कह रहे, मुझे लगता है बहुत यंग है, जो भी है ये ऐसे बहुत करती है, एंड ये इसका क्यू भूख का गाइस हम व्लॉग बनाते रहेंगे। कब आते इधर देखो, इधर देखो सोना चिया, अच्छा ठीक है ओके गाइस थोड़ी देर में। वो स्टोर है जहाँ पर हम भी कुछ सालों में तो नहीं
पता नहीं कब अभी तो टॉयज से खेलने के लिए बहुत छोटी नहीं हाँ। अभी नहीं पता नहीं मुझे नहीं पता कब बच्चे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं टॉयज को लाइक प्रॉपर टॉयज टॉयज होते हैं जो मतलब देखते हैं उनसे एंगेजिंग वगैरह होते हैं बट अभी तो प्रॉपर हाथ पर ही खेलना है ऑल दैट टू स्मॉल अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स इज के लिए तो एनीवे हम भी यहाँ पे आया करेंगे बहुत ज्यादा फिलहाल तो हम आए अपने फ्रेंड्स के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए गिफ्ट लेने यार ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं था भाई ये भाई देखो ये बारबी है भाई ये क्या है मुझे याद है जब मैंने अपनी फर्स्ट बारबी ली थी शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 110 rupees की आती थी और उसमें 110 rupees बहुत ज़्यादा वो होते थे लाइक बस एक ही बारबी थी जब मैं बहुत मतलब मैं जब मुझे होश है जिस टाइम की मैं पागल हो गई थी उस टाइम पर भाई मतलब बहुत सही जगह है ऑनेस्टली बहुत सही जगह है क्या लेने फिर हम LOL के ऑप्शन भी है LOL आजकल की न्यू बार भी है देखते हैं ओके गाइस सो अभी हमने चिया को नहलाया मालिश वालिश करी एंटरटेनमेंट किया प्रॉपर नाचे गाए बहुत सारा खेले खुले हम अच्छे से मैंने वो सो गई है मतलब एक दो बारी उठी बीच में फिर दोबारा उसको मतलब सुलाया सो गई अब घर के काम बाकी निपटाएंगे बाहर लोगों की कुछ उसको अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है वो कर रहा है एंड मैं नीचे आई हूँ डिश वॉशर खाली कर लें डिश वॉशर को लोड कर लें एंड हमने ना जो हमारा स्टीम मॉप था उसका जो आगे वाला जो क्या बोल कपड़ा था जो कपड़ा पैड से जो लगता था वो मुझे नया मतलब उसका काम हो गया था तो ये नया मंगवाया तो ये और लेकिन साथ में जिस चीज़ की मुझे एक्साइटमेंट है वो ये है कि उसकी वो H2 आई थिंक यही नाम था उसके H2 स्टीम मॉप उसमें भैया खुशबू भी आती है मुझे पता नहीं था तो वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस अगर हिम्मत है तो पोछा मार के सोऊंगी वाला स्टीम मॉप नहीं तो फिर देखते हैं अभी बट कंटिन्यू करते हैं मिलते हैं आपसे कल उसकी वैक्सीनेशन बस ठीक रहे वो थोड़ा सा मुझे उस चीज़ की टेंशन है बाकी देखते हैं मैं अपना काम करके यहाँ प्रेजेंटेशन बना रहा था कुछ बना के नीचे आया लिटरली बंदी पोचे वोचे लेके सब कुछ नया पता नहीं क्या क्या मंगाया हुआ था मैंने तो उसमें ऑलरेडी असेंबल करने बैठी हुई थी मैंने कहा मैं कर देता हूँ पोचा क्योंकि इसको जैसी तबीयत ठीक होती है ना पेन वेन ठीक होती है दवाइयों से ये दोबारा ऐसे काम करके ना शुरू हो जाती है कितनी मेरे को करना है क्यों करना है जो तुमने मेरे को बोला था एग्जैक्टली सेम बताया मेरे को भी सेटिस्फैक्शन कब मिलती है जब आप कॉर्नर टू कॉर्नर पोचा लगाओ तो इसकी वी शेप है ना ऐसे आपको यूज करनी है तो ये सनक है ये उरुषि की सनक है मतलब कोने से कोना लेके आना है बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसकी ट्रायंगल शेप को यूज कर रहे हो आप ऐसे जा रहे हो आप ऐसे जा रहे हो ताकि कोई भी कोना ना छूटे मतलब बंदे को भरोसा नहीं है कि हम कोने नहीं छोड़ते बट आई एम श्योर उरुषि बेटर करती है करेगा भाई मेरे को ना मेरे पूरी प्रेगनेंसी में ये पोचा नहीं यूज कर हां तभी तो उससे संतुष्टि मिल रही है हां जो मैं बोलती थी बता रही कैसे करना है कर दूं बट जो ये साफ करता है ना फर्श कुछ नहीं करता है इसका ना वो आगे वाला ही नहीं मिल रहा था हमें हां मंगा लिया हमने ऑनलाइन मंगा लिया हां बट ये पोचा बहुत सही है लिटरली इसके अंदर हमने खुशबू वाली मंगाया पानी में मिक्स करा तो होपफुली रूम में खुशबू उशबू भी आ जाए नहीं तो वैसे भी जनरली ये पोचा स्टीमर बहुत अच्छा है दे दे यार मैं कर देता फिर तेको दोबारा दर्द शुरू हो जाएगी एकदम उस दिन होंगी जिस दिन मैं बैठ के पोछा मारूं वैसे कॉर्नर टू कॉर्नर से ऐसे मैल निकालेंगे मतलब क्या मतलब कि ये फैंटेसी है पोछा मारने पोछा मार रहा हूं तो फ्लोरा यूज करना है हां ये बात है एकदम क्लीन लगता है घर से हां तो फिर संतुष्टि